लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीबॉडी, शुरू करते हैं। कि कैसे पता चलेगा कि ये जो टू है ये इन्फिनिटिव है या प्रेपोजिशन है? मान लो, वैसे तो पता चली गया आप लोगों को, फिर भी बता दो कि जब टू के बगल में कोई नाउन आ जाए तो हम क्या मान के चलेंगे, क्या है ये? प्रेपोजिशन। नाउन कैसे आएगा? जैसे ऐसे लिखा है, टू मार्केट, टू मार्केट, टू स्कूल, टू स्कूल, हॉस्पिटल, या टू राम, राम भी तो नाउन है जी, तो तब भी ये प्रेपोजिशन। ये सब मैं सबके आगे लिख देता हूँ, ये प्रेपोजिशन। अच्छा, फिर है कि भाई अगर टू के साथ कोई प्रोनाउन आ जाए, एक मिनट, somebody there, किस फॉर्म में होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव, तो भी हम मान के चलेंगे वो है प्रेपोजिशन। टू हर, हाँ जी, हिम, हर, मी, टू हर, टू हिम, टू मी, टू देम, इस तरीके से सब प्रेपोजिशन है। हेलो जी, ओके जी, उसके बाद अभी भी लोग आ रहे हैं, ओके। अब अगर टू के बाद एक वर्ब आए, उसमें आई एन जी आ जाए, तब भी हम इसको समझेंगे कि क्या है, प्रेपोजिशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये नौबत कब आएगी, है यही है ना टफ काम, देखते हैं। यस सर। कुछ वर्ड्स हैं जो मेरे दिमाग में है, मैं अभी बता देता हूँ, लिस्ट होगा भी तो मुझे लगता है 6 या 7 ही होंगे, अगर लिस्ट मिल भी गया तो। पहला मेरे दिमाग में है, ये है आपका विद अ व्यू टू, ये बने बनाए आते हैं जी, विद अ व्यू टू। तो अब इस टू के बाद हमें जो वर्ब है वो लगाना है आई एन जी, आप इसको जेरंड कह सकते हैं। उसके बाद इस वर्ब का अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो लगा दो। कैसे? विद अ व्यू टू का मतलब होता है पर्पस, विद अ व्यू टू गोइंग मार्केट, इसका मतलब, हाँ इसका मतलब पर्पस है। हिंदी में क्या बोलते हैं पर्पस को? उद्देश्य। ओके, उद्देश्य, उद्देश्य, ओके जी। तो किसी ने बोला यार मैं, एक मिनट, एक ऑडियो ऑफ कर लीजिए, कहीं से शोर है, कि मैं यहाँ आता हूँ अंग्रेजी सीखने के उद्देश्य से, आई कम हियर विद अ व्यू टू लर्निंग इंग्लिश। तो यहाँ पर हमने देखो इस टू के बाद क्या लगा दिया, ये आई एन जी, तो ये प्रेपोजिशन था। अब मैंने कहा ना इसकी लिस्ट रटोगे कि इतने ही हैं, इन्हीं के साथ लगेगा, बस ऐसे रट लो, अलग से नहीं पहचान सकते, बहुत मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन अगर लिखा हुआ मिल जाएगा तो समझ जाओगे कि इन्फिनिटिव नहीं है, क्योंकि आई एन जी लगा हुआ है, तो आप समझ ही जाओगे, यू नो, ये समझ जाओगे। Yes, आप अपने मन से डिसाइड नहीं कर पाओगे कि ये जो टू आ रहा है यार, यहाँ आई एन जी लगाऊं कि ना लगाऊं, आपको लिस्ट में ही याद रखना पड़ेगा ये 6-7 आइटम है भैया, इनमें आई एन जी लगता है, ये रट लो, हो गया। तो पहला आइटम तो हो गया, दूसरा आइटम भी देख लेते हैं। दूसरा आइटम है, इसे हम कहते हैं एम इज आर वाज वर प्लस यूज्ड टू, नाम तो सुना होगा। Yes, इसके साथ आप वर में आई एन जी लगा सकते हैं, फुल अलाउड, ठीक है जी। Yes, चलिए, कैसे? इसका मतलब होता है कि आदि होना, आदि होना, आदि होना मतलब हैबिचुअल, हैबिचुअल, आप किसी चीज के आदि, हैबिचुअल। आपने बोला कि मुझे चाय पीने की आदत है, मुझे चाय पीने की आदत है। अच्छा, याद रखो ये वो यूज टू नहीं है कि मैं कभी चाय पिया करता था, वो नहीं है, ये कभी दिमाग में बैठा लो आप। Yes, आदत है, इसको हम ऐसे बोलेंगे कि आई एम यूज्ड टू टेकिंग टी, टेकिंग टी, हैविंग टी, ओके। उसे झूठ बोलने की आदत है, शी इज ओके। उसे पैर खुजाने की आदत है, ईटिंग,
हिचिंग हिज लेग है? हाँ जी, पूरे लेग में कहीं भी खुजा सकते क्या? ओके, हिचिंग हिज लेग, स्क्रैचिंग भी कह सकते हैं आप, हिचिंग नहीं कह सकते। यस सर, आई एम यूज्ड टू वर्किंग फॉर आवर्स। ठीक है, तो आई एम यूज्ड टू वर्किंग फॉर आवर्स, अच्छा घंटों काम करते, गेटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, गेटिंग अप, यस यस, आई एम यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आदत है जी। I am used to doing yoga. We can replace used to by accustomed to. Yes, yes, yes. उसपे भी आरोसी को मैं तीसरा बनाने वाला था। आरो में। Yes, yes, yes. हाँ जी, तो एक ही आपका हो गया। इसी का पुराना वर्जन, बहुत ही फॉर्मल वर्जन। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। देख लीजिए क्या हो रहा है। ऑडियो ऑफ कर दीजिए, जहाँ शोर है ऑफ कर लीजिए। तीसरा हाँ, इसको बोलते हैं accustomed to। इसके साथ भी आपको वर्ब में ing लगाना है। कैसे? इसका मतलब भी है कि आपको, मतलब आप आदि हो चुके हैं, आदत हो रही है, जो भी आदत, जैसे उसे गांव में रहने की आदत हो रही है, तो मान लो she is अगर मुझे आदत है तो आई एम अकस्टम्ड, टीचिंग मेनी स्टूडेंट्स। I am accustomed का मतलब कि मैं आदी हूँ, you know, मैं habitual हूँ। और getting लग गया मतलब मैं habitual हो रहा हूँ, अभी हुआ नहीं हूँ, हो रहा हूँ। जी, ये फर्क है। Continuous। अगर हो गया हूँ तो I have got used to, you know, got accustomed to, ऐसे करके बोलोगे। जैसे future में कह सकते कि तुम्हें अंग्रेजी बोलने की आदत हो जाएगी, तो you will लगा दो, you will, और यहाँ get लगा दो, you will get accustomed to speaking English। तो अकस्टम लोग बोलते नहीं है क्योंकि बहुत फॉर्मल है, बहुत पुराना है, तो लोग क्या बोलते हैं, यूज्ड टू ज्यादा बोलते हैं। अच्छा, और एक यूज्ड टू होता है उसमें नहीं कुछ भी लगता है, तो उसके साथ कंफ्यूज्ड मत होइए कि मैं क्रिकेट खेला करता था, वो पता है ना, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, आई यूज्ड टू प्ले, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, पास्ट हैबिट। हां, तो इसकी बात हम नहीं कर रहे, हम प्रेजेंट में भी अपना यूज्ड टू है भाई। ओके सर, आई एम गेटिंग यूज्ड टू हो सकता है, हो रही हूँ आदि। यस यस, आदि अदरक जो हो जाओ, बिल्कुल ओके। आपको पता है कि अदरक को आदि भी कहा जाता है कहीं कहीं पर, अदरक, यस सर, आदि को बोलते हैं, आदि आदि के, ए आदि कुछ दे, आदि कुछ, आदि कुछ, तो पूरा मतलब, यूपी भी यार यहीं चलता है। यस, कि आदि नहीं खरीदा। ओके, अच्छा ठीक है। अच्छा, किसी को पता है कि यूपी बिहार, आई डोंट नो, भोजपुरी में एक वर्ड चलता है अथी, ये अथी क्या होता है? यस, अथी बहुत ज्यादा होना अथी नहीं ना सर, एथी बोलते हैं, एथी, अच्छा कहां एथी, अच्छा एथी, अथी नहीं सर, अच्छा सॉरी सर, एथी है, एथी बोलते हैं ना, एथी, एथी आवा, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एथी? मैं बता रहा हूं सर, अगर कुछ आपके माइंड में है, भूल गए ऑन द स्पॉट, अगर मीनिंग नहीं याद आ रहा है, एथी बोल के निकल सकते हैं, एथी दे दो, ऐसा एथी दे दो, कहीं मेथी ना दे दे, हाँ, अगर हाँ, अगर मतलब नाम निमिष हो गया ना, तो एथी बोल सकते हैं, एथी कथी भी तो बोलते हैं, कथी 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 भी तो बोलते माय गॉड, देयर सो मेनी वर्ड्स हैं, फाइन गाइस, पता है कुंची, कुंची है, खैर ये सब स्लैंग है, स्लैंग, स्लैंग है गाइस, स्लैंग मतलब कहीं की भाषा।
सर जब मैं शुरू शुरू में गई थी तो मुझे वहाँ का रेस्पेक्ट वाला लैंग्वेज पता ही नहीं था, एकरा ओकरा करती थी, धीरे धीरे सीखी हिनका हुनका, हिनका हुनका तो एकरा ओकरा करती रहती थी सर, मारते एकरा धर के मार एकरा तो नहीं सर, ननद लोग को बोलते ना हिनका पास हुनका पास, तो मैं बोलती थी एकरा पास ओकरा पास, धीरे धीरे सब सीख गई, मतलब इज्जत देना है। यस सबसे अच्छा अंग्रेजी है, कोई इज्जत नहीं। आइए अगला गाइस है, इसको बोलते हैं प्रोन टू, नाम सुना है prone yes, to prone to, ठीक है, कैसे प्रोनाउंस करेंगे? prone to prone to prone to yes prone to, you are prone to, इसके साथ भी आप verb में my sister is prone to talking ill, yes 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 बोल सकते हैं। तो prone to की हिंदी करना मुश्किल है, मैं चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। sir prone to means बोल से आमी, इसका मतलब ये है कि मान लो ये एक लड़की है, अब अभी विंटर सीजन है, इधर मुंबई में तो नहीं है, बाकी जगहों पे तो विंटर सीजन भी होगा, तो यहाँ तो इस विंटर में इसको आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है कि मैं आइसक्रीम खाऊंगी। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति कह रहा है कि नहीं नहीं अरे तू आइसक्रीम मत खा, तुझे बहुत जल्दी ठंड लग जाती है, यानी कि ठंड तुझ पर हावी हो जाती है, यानी कि तेरी पर्सनालिटी है जो ठंड से तुरंत अफेक्टेड होती है, इट मीन्स यू आर प्रोन टू कोल्ड। बात को समझिए, प्रोन टू का मतलब कि अगर यू आर प्रोन टू कोल्ड, इट मीन्स कि किसी को ठंड लगे ना लगे तुझे पहले लगेगी। अगर यू आर प्रोन टू डिप्रेशन, किसी को डिप्रेशन हो ना हो तुझे पहले डिप्रेशन हो जाएगी। तो आप जिस जिस चीज़ के प्रोन है वो चीज़ आपको अफेक्ट करेगी, सोचो जरा। ये भी एक तरीके नेचर वाली ही बात है कि गॉड गिफ्टेड नेचर में जो चीज है, जैसे जी 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 बिल्कुल। तो प्रोन का मतलब कि तुम्हारा उस तरफ झुकान, इंक्लिनेशन। तो अगर मैं किसी को बोलूं कि इसको ठंड लग जाती है, इसका ऐसा इसका स्वभाव है, नेचर है, तो मैं क्या बोलूंगा? शी इज प्रोन टू गेटिंग कोल्ड, है ना, गेटिंग कोल्ड। तो मैं आई इंजी लगाया यहाँ पर, देख लो प्रोन टू गेटिंग कोल्ड। तो इसलिए अब किसी को हम बोलेंगे इस बच्चे को आइसक्रीम मत दो, ही इज प्रोन टू गेटिंग कोल्ड, इट मीन्स कि भाई किसी को लगे ना लगे इसको ठंड जरूर लग जाएगी। ये प्रोन है, प्रोन का मतलब कि एकदम इसके ऊपर कोई लेयर नहीं चढ़ा हुआ है, इसका इम्यूनिटी बहुत खराब है। सर वी कैन से डोंट ईट बनाना, यू आर प्रोन टू मतलब कि सबसे पहले यही तुमको अफेक्ट करेगा। प्रोन मतलब एक तरीके से वो कि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है आपके साथ। हाँ, तो अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि ये कोल्ड के प्रोन है, तो इससे ये तो साबित हो गया कि मैं इसके स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहा हूँ, कि ये बंदा या बंदी प्रोन है। प्रोन है मतलब कि एकदम ये, इसकी हिंदी मुझे हिंदी मन में नहीं आ रहा है, मैं हिंदी क्या बोलूँ प्रोन की, आई डोंट नो, बट मैं सिचुएशन ही समझा सकता हूँ, मैं और सिचुएशन देता हूँ समझ में आएगा। प्रकृति, इससे अच्छा हिंदी ना ही पढ़े तो अच्छा है, समझ में नहीं आ रहा, प्रकृति भी समझ में नहीं आ रहा। चलिए देखिए, मैं ऐसे बताता हूँ कि जैसे यहाँ पर एक लेडी है, ये एक लेडी है, और हम कह रहे हैं कि देखो इस आंटी के सामने ना कोई भी ऐसी बात मत करो, ये बहुत जल्दी डिप्रेशन में चली जाती है, ये बिल्कुल प्रोन है, इनको ही डिप्रेशन तुरंत हो जाता है। तो डोंट टॉक अबाउट एनीथिंग बिफोर हर, बिकॉज शी इज प्रोन टू गेटिंग डिप्रेस्ड, गेटिंग डिप्रेस्ड इस तरीके से। तो अब बताइए, कुछ लोगों को समझ में आ रहा है प्रोन क्या है? थोड़ा बहुत समझ तो आता है। ऐसे आई एम प्रोन, यू आर प्रोन, फलाना इज प्रोन, बस ऐसे करके निपटा दीजिए, बाकी तो आई एन जी लगाना है टू के बाद। तो बताओ कि उसको बहुत जल्दी आई एम प्रोन टू गेट इमोशनल सिचुएशन उन्मुख। सर आई कांट सी एनी डेड बॉडी बिकॉज़ आई एम प्रोन टू getting emotional, हाँ, getting emotional, getting attack, getting वो
कौन से दौरे होते हैं? गेटिंग पेन पता या किसी को हो जाता है ना कि अरे बाप रे मिर्गी क्या मिर्गी क्या तो आप प्रोन समझ रहे हो सेंस तो यही है ना जो मैं बोल रही हूं यस यस मतलब उस बोलो बोलो केशव बोलो यार सर लाइक दैट डोंट पोल्यूटेड प्लेस यू आर प्रोन टू गेटिंग कंजेक्शन एंड लाइक दैट ठीक है केशव मैं एक और सिचुएशन देता हूं रुकिए ओके जैसे कि एक बंदा है वो बार बार नर्वस हो जाता है तो कोई भी ऐसा इसके सामने काम मत करो कि ये जो बंदा है ही इज प्रोन टू गेटिंग नर्वस आप ऐसे कह सकते हो तो प्रोन टू गेटिंग नर्वस का मतलब कि दिस इज हिज नेचर टू गेट नर्वस यू नो इसकी प्रकृति क्या कोई कह रहा था हिंदी में प्रकृति प्रकृति कह रहा था इसका स्वभाव डोंट टीच हिम badly actually he is prone to getting nervous yes yes to banda prone hai sir getting gate hi aayega bina gate wala karke dekhe yes sir gate matlab to hum hone wali feeling aa rahi isliye kar rahe hain agar main kahe to ki she is prone to crying ab hai na wo rone lagti hai ek tarike se uska nature rone wala hai अफेक्टेड हो जाती है इट मीन्स कि क्राइम की तरफ इसका झुकाव ज्यादा है वैसे तो प्रोन का मतलब होता है उल्टा लेटा हुआ यू नो अंधे मुंह पड़ा हुआ प्रोन का ही मतलब होता है कभी गूगल सर्च करना उन्मुख बता रहा है ये तो पता नहीं क्या ही बता प्रोन का मतलब होता है जैसे ये प्रोन का मतलब उल्टा होता है पेट 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 भर जब सीना आपका जब जमीन पे सटा हो जब आप लेटते हो ना सर उर्दू में सिखा रहा है सर शिकार है उर्दू में सर बिल्कुल अलग बता रहा है इसमें मीनिंग जैसे यस सर प्रोन के मीनिंग जो है सर इसमें रेडी कीन इंक्लाइंड हाँ सही सही बता रहा सही बता रहा रेडी कीन इंक्लाइंड का मतलब कि इतना तुरंत आप अफेक्टेड हो जाते एकदम सही बता रहा रेडी मतलब तैयार बंदा एकदम तैयार है ठंड लग जाएगी इसको इसको आइसक्रीम मत दो कीन का मतलब होता है ना बिल्कुल आप सबसे ज्यादा आप ही उत्सुक है कीन है इंक्लाइन इंक्लाइन मतलब सर झुकाव झुकाव आपका झुकाव आपका इच्छा सर झुका होना वो ये इच्छुक सर प्रवृत्ति डाउनहिल स्लोपिंग सर क्या प्रवृत्ति नहीं बोल सकते बिल्कुल प्रवृत्ति टेंडेंसी यस टेंडेंसी बिल्कुल सही बता रहा है ठीक है स्पेलिंग सही ढूंढा है ना कभी कुछ और ढूंढ लिया इसका नो नो नहीं सर ओके अच्छा सर सीज प्रोन टू क्राइंग इसका वो रोने लग जाएगी या रोने लगती है नहीं उसका नेचर रोने वाला है उसके सामने कुछ बातें मत करो रो देगी इसका मतलब कि वो उसका रोतलू नेचर है बस इसका ये मतलब उसका क्राइंग वाला नेचर इसकी हिंदी है मतलब रो देगी यार हाँ उसका रोने की इसकी हिंदी बनी नहीं सकती उसका रोने की तरफ झुकाव है मैं क्या हिंदी लिखूं झुकाव है या यूं कह लो रोना उसकी प्रवृत्ति है सर किस प्रवृत्ति है रोना लग जाता है हां जी रोना उसकी प्रवृत्ति है ओके वो रोतलू है अब लो अब क्या लोगे इतना सब सर जिसको जल्दी बुरा लग जाता है तो उसके लिए कैसे बोलेंगे यस शी इज प्रोन टू गेटिंग एंग्री प्रोन टू गेटिंग एनॉयड प्रोन टू गेटिंग टेंस्ड अपसेट बोलो ना इतना सब कुछ तो है Sir, can we use don't eat brinjal because you are prone to affecting from allergy? You are prone to allergy कर दो ना अरे यार two के बाद आप ing लगाओगे तो gerund नहीं तो noun तो लगा ही सकते हैं ना क्या दिक्कत है preposition के बाद noun तो लगा सकते हैं prone to allergy okay yeah जैसे मैं कहता हूँ कि भाई ये किसी को cucumber से allergy है you know तो yes, आप बोलो yes. कि भाई कुकम्बर मत दो इसको एलर्जी है शी इज प्रोन टू एलर्जी एलर्जी बोल सकते हैं एलर्जी नाउन है प्रेपोजिशन के बाद नाउन तो लगा ही सकते हैं ना क्या दिक्कत है वो तो हम आईएनजी पे खेल रहे हैं इसलिए हम कह रहे हैं हम आईएनजी वाला वर्ड उठा रहे हैं बाकी नाउन तो है लगाओ
सर रोड और सड़कों पर ज्यादातर लिखा रहता है दिस एरिया इज प्रोन टू एक्सीडेंट. हाँ जी देखिए सही पकड़े हैं. तो आप समझ में आया कि भैया बहुत एक्सीडेंट होता है इधर. दिस एरिया इज प्रोन टू एक्सीडेंट मतलब ये दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, दुर्घटना हो सकता है ज्यादा. प्रोन मतलब कि बहुत कीन एकदम, कब हो जाए ना हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता, एकदम झुकाव है हो जाएगा. मतलब संभावित संभावित इसीलिए मैं कहता हूँ हिंदी के पीछे ना चले, अंग्रेजों वाला ही सही है. जी चार हो गए. यस सर पांच. मैंने कहा था छः सात लिस्ट है इसकी, मुझे अब जो याद आ रहा है मैं लिख रहा हूँ. और यह है कि किसी किताब में ढंग से मिलता भी नहीं, कहाँ से ढूंढ के लाया जो दिमाग में है मैं लिख रहा हूँ. ओके अगला है इम्यून टू. इम्यून टू प्रोन टू का उल्टा भाई. जैसे मैं बोलूँ कि आई कैन ईट आइसक्रीम एनी टाइम बिकॉज आई एम इम्यून टू कोल्ड. मैं मतलब मुझ पे कोल्ड का फर्क ही नहीं पड़ेगा, प्रभाव ही नहीं पड़ेगा जी. मैं इम्यून, मेरे अंदर इम्यूनिटी है जी. यानी कि इम्यून जैसे कर दिया तो कोल्ड कुछ भी करके रह जाए मैं ढाल लेके बैठा हुआ हूँ, मुझ पे ये प्रभाव डाल ही नहीं सकता. आई एम इम्यून. तो वहाँ पे माय इम्यून इज वेरी स्ट्रांग. यस माय इम्यूनिटी इज वेरी स्ट्रांग. यहाँ पर आपको इम्यून टू बोलना है कि आई एम इम्यून टू, स्टेट ऑफ बींग लगाना है. आई एम प्रोन टू, वैसे आई एम इम्यून टू. ओके आपने बोला आई एम इम्यून टू एनी काइंड ऑफ बैड न्यूज, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि मैं मतलब कोई भी न्यूज सुनने के लिए मतलब एबल हूं किसी भी न्यूज को बर्दाश्त करने के. बर्दाश्त करने. हां जी तो इतना प्यारा है ये, आप इसको रट लीजिए इसको कि भैया आई एम इम्यून टू एनी काइंड ऑफ बैड न्यूज. ठीक है अब देखो इस टू के बाद मैंने यहाँ पर एक नाउन फ्रेज लगाया है ना, नॉन फ्रेज लगाया. अब है कि आईएनजी, हम तो आईएनजी के चक्कर में आए थे ना, तो आईएनजी लगाना हो तो कुछ सोचते हैं. आई एम इम्यून टू, कुछ ऐसा सोचे इसमें आईएनजी आ जाए. डाइजेस्टिंग कॉफी मोर देन टू कप. अच्छा ठीक है, वैसे दो कप तो लोग पी सकते हैं, कुछ और करते हैं. दो कप तो पी लेंगे. अच्छा आई एम इम्यून टू हियरिंग एनी बैड वर्ड. एनी बैड वर्ड देखो हेयर के साथ आईएनजी आराम से लगा सकते हैं क्योंकि जेरंड में तो सब पॉसिबल है. तो ये देख लो कि मैं भैया कोई भी बुरा शब्द सुनने के लिए एकदम इम्यून हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मेरी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है. ओके आई एम इम्यून टू गेटिंग स्कॉल्डेड, मतलब कोई बता सकता है जी yes. कि मैं कोई भी गाली दे मुझे फर्क नहीं. हाँ कोई डांटे फटकारे कुछ भी, आई एम इम्यून, मैं स्ट्रांग हूँ, मुझ पर कोई असर नहीं करेगा, आई एम टोटली इम्यून. तो ये इम्यून टू है. देखते हुए पांच हो गए. सर एक लुकिंग फॉरवर्ड टू होता ना, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग यू अगेन. आ ही रहे थे, अगला टारगेट वो वही था. ओके आ रहे इसको छठा नंबर किया जाए. हाँ जी इसका नाम है लुक फॉरवर्ड टू. मुझे लगता है सारा लिस्ट मैंने खुद ही कर दिया, ढूंढने की जरूरत नहीं है. फिर भी एक आध कहीं मिल जाए तो उठा लेना, क्या पता 10 हो. लुक फॉरवर्ड टू का मतलब यूं समझो कि बेताब हो आप, यू नो बड़े एक्साइटेड हो, देख रहे हो. लुक का मतलब देखना, फॉरवर्ड मतलब आगे, यानी कि कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे हो, आशा कर रहे हो, यू नो उम्मीद कर रहे हो कि यार. ऐसे मैं बोलूं कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग अमेरिका. ठीक है चलो इनका ले लेते हैं. Going to America. We are looking forward to seeing you. ठीक है. I am looking forward to dinner. हाँ, वो भी कर सकते हैं. जैसे जो लोग ईमेल लिखते हो ऐसे लिखते हैं ना कि I look forward. कुछ और कई बार ऐसे भी. Your reply. Yes. कई बार लिखते हैं look forward to hearing from you. ऐसा भी लिख देते हैं कई बार. Hearing from you. As soon as possible. ऐसे लिखते हैं कई बार. Yes, yes, yes. इसको मैं capital. बोल सकते हैं. I am looking forward to celebrate Diwali. Celebrating ing करना पड़ेगा ना. Celebrating. Celebrating Diwali. Yes.
ओके, तो मैं आपके साथ काम करने के लिए एकदम इंतजार कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, एक्साइटेड हूँ, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू. तो ये भी हो गया आपका, देख रहे हो, ये आपके सारे टू वाले कौन है, ये टू प्लस आईएनजी. अच्छा, तो इस वीडियो का टाइटल डाला जा सकता है ना, टू प्लस आईएनजी. अच्छा यस सर, एक इनडिफरेंट होता है उसका सर, बता. इनडिफरेंट जो बिल्कुल सबसे अलग हो, नहा से ना बोले, ऐसा कोई बंदा इनडिफरेंट. इनडिफरेंट टू भी आइडिया नहीं है सर. अच्छा, देखते हैं कई लिस्ट होगा, अभी एक सातवां याद आ रहा है, छठा है ना, सातवां भी याद आ रहा है अचानक से. इसका नाम है रिजॉर्ट टू, नाम सुना किसी ने, रिजॉर्ट टू? सर सुना तो है, रिजॉर्ट टू, वर में आईएनजी लगाइए. जैसे कि रिजॉर्ट टू का मतलब ये है, यूं समझाता हूँ कि एक आदमी है, अब इसका दिल विल टूट गया, अब भी बिल्कुल बर्बाद है, अब सिर्फ बोतल का सहारा है, यू नो, बोतल का ही सहारा है कि बस तू ही मेरी हम सफर. तो रिजॉर्ट का मतलब एक तरीके से सहारा, यू नो, रिजॉर्ट होता है ना घर, रिजॉर्ट क्या होता है, कहीं रुकते ठहरते हो, रिजॉर्ट होता है ना. यस सर, यस सर. तो अब इसने अपने आप को टिका लिया है किसी के सहारे, तो रिजॉर्ट है. तो मुझे बोलना है कि इसमें टेंस लगा सकते हैं, सोचिए कोई सेंटेंस. उसे इस नौकरी का ही सहारा है. ओके, एनीबॉडी कैन ट्रांसलेट. ही इज रिजॉर्ट टू डूइंग दैट जॉब. टू गेट अ जॉब. इनकी आवाज थोड़ी सी कट रही है. ओ यादों के सारे जी रहा था. ओके ठीक है. He was resort to living with memories, memories. Her memories. रिजॉर्ट मतलब पूरा, अब कुछ नहीं बचा है, बस वही, अब उसी, कैसे समझाऊं, उसी के सहारे आप हो गए हो. मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं, बिकॉज़ मुझे सहारा मिल गया है. ये मतलब जब मैंने जब न्यूज़पेपर में इसको देखा, ये इस ढंग से यूज होता है रिजॉर्ट, कि अब कुछ और नहीं बचा है, बस अब चाहो ना चाहो, बस इसी का एक सहारा बचा, कुछ ऐसा सेंस है, बड़ा डेंजरस सेंस है इसका. ऐसे कोई बोले कि क्या करता साहब, आप ही बताओ ना, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हथियार उठाना पड़ा मैं, इसी मतलब आई रिजॉर्टेड टू वेपन्स, यू नो, कुछ ऐसा सोचो, ना चाहते हुए भी, इसमें कोई रिसोर्स, कोई कोई मतलब किसी की चाहत नहीं है इसके अंदर, मतलब कुछ आपको अपनाना पड़ा लाइफ में, मान लो कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई, कहते ना कि आफ्टर ब्रेकिंग अप ये सही पकड़े. यस, जैसे किसी को नींद ना आए तो उसे नींद की गोली का सहारा लेना पड़ेगा ना. ये सही है. ऐसा कुछ सोचो, अपना इसमें इच्छा नहीं है, मतलब ना चाहते हुए भी आपको. I am resort to going to police. नहीं नहीं, resort को आप चेंज करोगे ना, resorted वगैरह तो करना पड़ेगा ना. बेटे ने ठुकरा दिया तो माँ को बेटी के पास रहना पड़ा. Okay okay yes yes yes. कि mother कैसे है, mother had to resort to living with her daughter, ऐसा कुछ. सोने वाले के एग्जाम. I have to resort to going to police. मतलब पुलिस अंत में, मतलब पुलिस, मतलब अब मुझे पुलिस के पास ही जाना पड़ेगा. हाँ, now okay ठीक है, तो now
I will have to resort to सर व्हाट चाहिए या तो resort to police कह दो क्योंकि ये तो noun तो लेगा ही लेगा you know जी जी yes sir sir थोड़ा resort फिर से थोड़ा बता देंगे सर disconnect हो गया था सर अच्छा अच्छा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ ठीक है एक तो audio जहाँ से खराब है बंद कर लीजिए मान लीजिए उनका क्या था कि जैसे किसी को नींद नहीं आ रही है कोई अगर ऐसा बंदा बोलता है कि आई हैव नॉट बीन एबल टू स्लीप फॉर अ वीक मान लो एक हफ्ते से मैं सो नहीं पा रहा हूँ आई हैव नॉट बीन एबल टू स्लीप फॉर अ वीक सो नाउ आई विल हैव टू रिजॉर्ट टू टेकिंग स्लीपिंग पिल्स इसका मतलब अब क्या है इसको समझिए क्या कह रहा है बंदा कि मैं भाई एक हफ्ते से सो नहीं पा रहा हूं तो अब मुझे सहारा लेना पड़ेगा आई विल हैव टू रिजॉर्ट टू का मतलब इसका मतलब होता है सहारा लेना मुझे सहारा लेना पड़ेगा किसका सहारा अगर कोई एक्शन है तो आईएनजी में दिखाइए टेकिंग स्लीपिंग पिल्स सोने वाली क्या है नींद वाली गोलियों का सहारा लेना पड़ेगा ये है रिजॉर्ट टू तो ये हम अपनी इच्छा से नहीं करते हैं रिजॉर्ट टू सिचुएशन है कि अब कुछ नहीं बचा है अब यही एक अंतिम सहारा है ऐसी नौबत आए तब लगाओ यही मैं समझाने की कोशिश सर वी कैन सी हिज सन सेट आउट हिम फ्रॉम द हाउस दैट्स व्हाई ही रिजॉर्टेड टू बेगिंग हाँ अब आया ना यस मान लो कि ही रिजॉर्टेड टू बेगिंग कितना प्यारा है उसे मतलब भीख मांगने का सहारा लेना पड़ा उसने सहारा लिया ही रिजॉर्टेड मतलब सेकेंड फॉर्म करते मतलब ये कर इसके इस पे आ गया वो उतर गया किस पर उतर गया बेगिंग पे उतर गया रिजॉर्टेड टू बेगिंग मतलब अब वो बेगिंग के रास्ते पर आ गया जी अब इसकी हिंदी जो समझो बेगिंग का सहारा ले लिया बेगिंग को अपना लिया आप समझ रहे हो ना बेगिंग के शरण में चला गया रिजॉर्ट को समझिए ये होता है जी सर आई वॉज नॉट गेटिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सो आई हैड टू रिजॉर्ट टू टेक लिफ्ट फ्रॉम हिम टेकिंग डियर टेकिंग टेकिंग या जी बाकी नाउन तो आप लगा सकते हो एक्शन आईएनजी में देयर वॉज नो अदर चॉइस बट रिजॉर्ट टू वॉर यहाँ बट का मतलब एक्सेप्ट डोंट रिजॉर्ट टू alcohol to relieve your stress yeah correct agar kisi ko action lagana hai to koi action wala word sochna padega don't resort to drinking alcohol taking alcohol you know action laga sakte hain kyunki main action pe kaam kar raha his wife left him that's why he resorted to drinking alcohol I thought he resorted to going to brothel okay sir now I'm going to you know Now I'm going in old age. Now I'm unable to walk properly. So that now I will have to resort to taking help of stick. Yes, 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 yes. I hope you nobat kisi ko na aaye. Yes, sir. Yes. इतना अपने आप को फिट रखिए और हमेशा जो लोग थोड़े मोटे हैं मैं कहता हूँ कि आप अपना लिपिड प्रोफाइल कराइए लिपिड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट कराइए इसमें अपने ट्राइग्लाइसराइड को देखिए अगर ये बढ़ गया है तो आपको स्ट्रोक आ सकता है बीपी लकवा ये सब हो जाएगा इसको देखिए कोलेस्ट्रॉल को देखिए नहीं देखेंगे पछताएंगे तो जरूर करा लिया कर हर 3 महीने पे करा लिया कर लिपिड प्रोफाइल हाँ जी अगर आप खूब क्या बोलते हैं उसको जो छान के निकालते हैं पकवान एकदम तेल में जो फ्राइड तला हुआ जो तला हुआ खाते हैं ना ये सारे अमीर लोग के ये है चोचले अमीर लोग खाने पीने में खूब खुश रहते हैं और यही लोग ज़्यादा मोटे हो जाते हैं तो ये लोग अपना लिपिड प्रोफाइल जरूर कराएं पता चल जाएगा जी सर स्कम टू भी यूज स्कम टू के साथ भी आईएनजी यूज होता है हाँ स्कम टू के साथ भी होगा स्कम टू या स्कम टू तो हमारा 8वां नंबर देख रहे हो ऐसे अपने आप मिलते जा रहा है हम तो 6 ही सोच रहे थे सकम टू भी आ गया
succumb to aisa वैसे सकम टू वाले में ज्यादातर नाउन का ही इस्तेमाल करते हैं, आईएनजी वाला ज्यादा मिलता नहीं। जैसे मैं बोलूं कि ही सकम्ड टू हिज इंजरी, न्यूज़पेपर में ऐसे लिखा रहेगा हिज इंजरी। तो सकम के दो मतलब होते हैं। एक सकम का मतलब होता है किसी के आगे हार मान जाना, झुक जाना, और इसी का फिगरेटिव मतलब हो गया कि झुक गया मतलब बंदा लाइफ खो बैठा, यानी कि मर गया। तो अगर न्यूज़पेपर में लिखा आ जाए कि ही सकम टू हिज इंजरी, मतलब अपने चोट के आगे वो झुक गया, झुक गया मतलब वो मर गया, हार गया, जख्म जो उसको जख्म लगा उससे वो मर गया। एपीजे अब्दुल कलाम की जब डेथ हुई तो जो मैंने अगले दिन न्यूज़पेपर पढ़ा वो डायलॉग मुझे याद है, उसमें लिखा था कि ही सकम टू कार्डियक अरेस्ट, मुझे याद है कार्डियक अरेस्ट, यानी कि दिल के दौरे से दौरे की वजह से वो मर गए, ये लिखा हुआ था। अरेस्ट या सर अटैक? नहीं नहीं, अरेस्ट कार्डियक अरेस्ट पूरा फ्रेज है वो, हम कहते हैं ना हार्ट अटैक, हार्ट अटैक हम लोग कहते हैं, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया साइंस की भाषा में कार्डियक अरेस्ट ये भी है। तो इसमें नाउन ही ज्यादा दिखता, एक्शन ढूंढ के देखिए। ठीक है गाइस, तो आठ बहुत है, मुझे लगता है काफी है। yes, ना बहुत है जी, वेरी गुड। तो अब आइए, अब जितना हमने सीखा है उस पर चर्चा और कर लेते हैं थोड़ा सा। तो बताइए कि आई एम टू सक्सीड का क्या मतलब है? मैं सफल हूँ, होने वाला हूँ, सफल होने के करीब हूँ, करीब हूँ, हाँ, सफल होने वाला हूँ। तो यहाँ पे टू सक्सीड हमारा क्या है? इन्फिनिटिव, समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि शी हैज टू buy it, इसका मतलब खरीदने वाला है। उसे खरीदना पड़ेगा या खरीदना है उसे खरीदना है या पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, नहीं खरीदना है, खरीदना है, उसे खरीदना है, खरीदना पड़ता है भी बोल सकते हैं या खरीदना है। देखिए इस अंतर को थोड़ा सा समझिए, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। जब बी आ जाए, बी के बगल में जब इन्फिनिटिव आ जाए, इन्फिनिटिव क्या होता है? टू का वर्ब होता तो बेस फॉर्म है, बट लोग फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं बेसिक करूँ तो अच्छा है। अगर बी के साथ आ जाए तो बी का मतलब क्या होता है? एम इज वर्ब, फिलहाल इतने को लेते हैं। तो इसके साथ अगर आ जाए टू और यहां पर आ जाए आपका वर्ब जो कि बेस फॉर्म में हो, तो इसका मतलब है कि एक स्केड्यूल तैयार हो गया है। स्केड्यूल है आपका, आपका प्लान है कि आपको इधर जाना है, इधर ये करना है, ये करना है, एक प्लान तैयार हो जाता है। इतना समझिए, इसके इसकी मीनिंग बता रहा हूं। इसका मीनिंग क्या है? स्केड्यूल बन गया, कोई कोई सो रहा है, खराटे ले रहा है, कोई कोई तो है ये अपने क्लास में, कोई तो है। ओके तो अगर ऐसा बोलना है कि ही इज टू बाई अ कार, तो इज आ गया, इसका मतलब उसने कार अभी खरीदी नहीं है, स्केड्यूल बन गया है, प्लान बन गया है, प्लान कर रहे हैं, उसको खरीदने वाला है। हाँ, अब इसकी हिंदी जो भी समझो, खरीदी नहीं है बट प्लान तैयार है, यानी कि खरीदेगा, यानी कि फ्यूचर खरीदेगा। यस सर, इट मींस कि कहीं ना कहीं फ्यूचर है ना, यस सर, प्लानिंग टू बाय अ कार। तो हम इसको ये समझते हैं कि प्लान तैयार है, लेकिन जैसे ये तो मैंने बी के साथ बताया, लेकिन अगर ये हैव के साथ आ जाए, जैसे कि बी का मतलब एम इज आर होता है,
तो हैव का मतलब आपको पता है ना, हैव का मतलब हैव, हैज और हैड होता है, हैड, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फॉर्म लू, इतना लू, तो ख्याल रखे, तो अगर हैव के साथ आ जाए, हैव आ जाए और यहाँ टू आ जाए और टू के बाद एक वर्ब हो बेस फॉर्म में, यानी कि अपने इन्फिनेटिव की बात करें, तो यू समझो कि वो हैव पे भी चलेगा, हैज पे भी चलेगा और हैड पे भी चलेगा। बाकी आप अगर आगे चाहो तो विल के साथ पता ही है, हैव भी लगा सकते हो। हाँ, तो मैं फिलहाल वो नहीं, मैं सिर्फ तीन को उठा रहा हूँ, वो आप आगे कुछ भी जोड़ लो। तो इसके साथ जब ये वर्ब ये आएगा टू प्लस वर्ब बेस फॉर्म, तो इसका क्या मतलब हम समझेंगे, हम मीनिंग क्या समझेंगे इसका, इसके दो मीनिंग समझे जाते हैं। एक तो होता है कि एकदम ऑब्लीगेशन, ऑब्लीगेशन मतलब बाध्यता, एहसान वाले बात नहीं कर रहा हूँ, बाध्य है। और एक होता है नेसेसिटी, कैसे लिखे, नेसेसिटी मतलब करना ही करना है जी, बहुत ही जरूरी है। और एक है कि अरे यार एकदम मजबूर है हम, यू नो हमारे ऊपर क्या बोलते हैं, मर दिया गया है, थोप दिया गया है, फाउंडेशन है, कंपल्शन। हाँ जी, तो कभी भी अगर हैव के साथ आ जाए, अगर ये बी के साथ अगर इन्फिनिटिव आए, सिर्फ प्लान तैयार है लेकिन मजबूरी नहीं कि तू ही करेगा, लेकिन अगर वो हैव फैमिली के साथ आ जाए तो भैया मजबूरी है, एकदम करना ही है जी, आपके माथे पे लिख गया जी, आप ही को करना है। इसीलिए लोग इसकी हिंदी मीनिंग भी ना है निकालते हैं ना हिंदी में, देखो। तो ठीक है, तो अब ये अफकोर्स ये दो मतलब रखता है, या तो आपको रोज कोई काम करना पड़ता है, रोज आपकी मजबूरी ऑब्लिगेशन है करने, तो आप बोलोगे मुझे रोज कमरा साफ करना पड़ता है, तो भी बोलोगे आई हैव टू क्लीन द रूम, हैव टू क्लीन द रूम डेली। और अगर आपको आज आज करना है, आप ही के माथे पे लिख गया, आप ही को करना है, कोई नहीं करेगा, तो आई हैव टू क्लीन द रूम टुडे। दोनों तरीके से बोल सकते हो। तो जैसे है इन्फिनिटिव, ये भी इन्फिनिटिव है ना, तो अगर इन्फिनिटिव हैव हैज हैड फैमिली के साथ आता है तो मजबूरी नेसेसिटी, और अगर इज आर एम फैमिली के साथ आता है, वाजवर के साथ आता है, तो सिर्फ शेड्यूल है, प्लान है, मजबूरी नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि शी इज टू कम, जी जैसे कि मैं ये रूम साफ करने वाला हूँ, तो आई एम क्लीन द रूम, आई एम टू क्लीन द रूम, आई एम टू क्लीन द रूम का मतलब है कि प्लान बना है कि मैं जो हूँ मैं साफ करूंगा, लेकिन अगर मैं हैव कर दूं तो इसमें फोर्स पड़ जाएगा बस, कि अब तो बेटा मुझे ही करना, अब कोई उपाय नहीं, अब क्या होगा, अब तो मुझे ही करना है। तो देख लीजिए, तो अगर मैं किसी को फोर्स करके बोलूं कि ओए तुझे यहाँ बैठना ही है भाई, तू ही बैठेगा और कोई नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा उसे, यू हैव टू सिट हियर। आप अपने बच्चे को बोलोगे कि तुझे तो आधे घंटे में कंप्लीट करना है, चाहे जो हो जाए, एकदम और उसे खाली आप प्लान बताओ कि देखो बेटा प्लान ये है कि तुम्हें आज होमवर्क मतलब करना है, यू आर टू डू द होमवर्क। अगर मैं कहता हूँ कि यू आर टू फिनिश द होमवर्क, मतलब तुम हो जिसको होमवर्क करना है, ये प्लान बना है, लेकिन देख अब कोई उपाय नहीं, तुझे ही करना है, जैसे फोर्स करेंगे वो आर खत्म होकर क्या लग जाना है जी, हैव लग जाना है, यही है बस, जरा सा डिफरेंस है। सर आपने बताया था कि अबाउट टू का यूज करते हैं तो जस्ट वो काम होने वाला है, सो अबाउट टू के साथ फिर दूर का टाइम नहीं लगा सकते हैं ना, सपोज माय फादर इज अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस नेक्स्ट ईयर, फिर तो पास्ट का ही टाइम लगाना पड़ेगा ना। जी मैं क्लियर कर देता हूँ, तो जैसे हमने देखा कि एम है, इज है, आर है, वाज है, वर है, व्हाटएवर, इसके साथ हम जब टू लगाते हैं और वर्ब का बेस लगा देते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि ठीक है प्लानिंग है। अगर मैं कहता हूँ कि शी इज टू कम, मतलब कि वो आएगी, प्लान बन गया है, पर कब आएगी पता नहीं। अगर मैं इसमें एक वर्ड अबाउट लगा दूँ, तो अबाउट का मतलब इस क्या दिखाता है, क्विकनेस को दिखाता है, जल्दीबाजी को दिखाता है। तो अगर मैं कहता हूँ कि शी इज अबाउट टू कम, इसका मतलब है कि वो तुरंत ही आने वाली, वो कब आ जाएगी पता नहीं जी, ये फीलिंग देता है। हाँ जी, कि कभी भी आ सकती है, कि चलो चलो भाई बिस्तर करो, she's about to come, they are about to come. लेकिन लोग इसको ऐसा नहीं समझते, लोगों को लगता है बस about to मतलब आने वाला है, चाहे एक घंटे बाद है, पांच घंटे बाद है, वो लोग ऐसे समझते हैं, लेकिन ये अबाउट हमेशा जल्दीबाजी को नजदीक क्या बोलते हैं हिंदी में, नियरनेस को दिखाता है। हाँ, नियरनेस को दिखाता है, मतलब दूर का टाइम नहीं लगा सकते ना, शी इज अबाउट टू कम नेक्स्ट मंथ, ऐसा नहीं बोल सकते ना। इसीलिए न्यूज़पेपर में ज्यादा ऐसा नहीं होता है, अगर नेक्स्ट मंथ है तो उसमें लिखा होगा कि दे आर टू बाय, जैसे कि ही इज टू बाय अ कार,
मान लो ऐसा लिखा है, इसका मतलब कि वो प्लान है कि वो बंदा कार खरीदेगा, पता नहीं कब खरीदेगा, लेकिन अगर कोई बोले कि ही इज अबाउट टू, इज अबाउट टू बाय अ कार, बाय अ कार, सर अबाउट की जगह गोइंग भी सेम ही वर्क करता है क्या? यस यस, गोइंग टू, एक ऑडियो बंद कर लीजिए जहां बर्तन वासन हो रहा है, खटपट बंद कर लीजिए। रामराज यस सर, सर एक चीज पूछनी थी मुझे ना सर, एक बार डाइट बता दीजिएगा कि जैसे कोई रेंट एग्रीमेंट या लीगल एडवाइस कोई होती है तो उसमें सब सेंटेंस के पहले हर सेंटेंस में ईच लाइन में डाइट होता है, डैट दिस, मतलब हर स्टार्टिंग में डैट ही होता है, उसका मीनिंग क्या है, मतलब वो क्या यूज करता है? ठीक है, मैं आपको प्रूफ ला के बताना पड़ेगा, वो लीगल टर्म्स का वो एक उनका फॉर्मेट होता है। हाँ जी सर, वो रेंट एग्रीमेंट जैसे बनता है ना तो उसमें सब में लिखा हुआ कि ये नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, सारा पूरा। तो मैंने उससे पूछा, हमने कहा दैट सब का मीनिंग क्या है, कह रहा आप जब टाइपराइटर बनोगे तब आपको पता चल जाएगा। हाँ, कोई नहीं, तो टाइपराइटर बने ना बने, मैं वो अंग्रेजी ही फैमिली है ना, मैं बता दूंगा। ठीक है सर, टाइपराइटर को क्या अंग्रेजी पता, उसको तो लिख देना है, मतलब फॉर्मेट को टाइप कर देना है। सब में वो स्टार्टिंग में दैट लगा रहे थे, he is going to buy a car. कोई अब going to आपके कई मीनिंग रखता है, रुक जाइए मुझे कर लेने, he will about to buy a car, एक बार मैं क्लियर कर लेता हूं इसको ना। he is going to buy a car कई मीनिंग रखता है, एक मीनिंग ये रखता है कि हो सकता है मैं बोलूं कि नेक्स्ट मंथ है ना, मैं अगर नेक्स्ट मंथ बोल दूं तब भी तो चलेगा ना, he is going to buy a car next month, पूरा टाइम लग गया, अगले महीने बंदा भाई कार खरीदेगा, यू नो जो भी आप हिंदी बोलो, खरीदने जा रहा है, व्हाटएवर हिंदी इज, अगले महीने खरीदेगा ना, अभी तो खरीदेगा नहीं। मैं बोलूं कि शी इज गोइंग टू गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर, मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना, शी इज गोइंग टू गेट, सर मुझे लगा कि मतलब जस्ट मतलब अबाउट की जगह मतलब सेम ही इसका मतलब है। नहीं आपको सही लगा, मैं कह रहा हूँ कि इसके कई मतलब है, इसमें से इसमें से एक मतलब वो भी है जो आपने सोचा, और एक मतलब वो है जो मैं बता रहा हूँ। तो एक मतलब तो इसका हो गया कि कहीं ना कहीं दूर के समय को भी दिखा सकता है, मैं कहीं पर लिख देता हूँ कि ये जो going to और इसके साथ जो हमारा वर्ब है बेस फॉर्म में, तो एक तो ये दिखा रहा है कि फार टाइम, दूर का भी समय दिखा रहा है, और एक ये बिल्कुल अबाउट टू वाली फीलिंग देता है, तो नजदीकता वाली फीलिंग देता है ना, कि बस होने ही जा रहा है जी, अभी के अभी, ये भी करता है। सर मैंने ना अभी पंचर लगाया ट्रक को, टायर को, तो मैंने उसको पूछा भी कहाँ पंचर हुआ है, तो उन्हें बोला भी आई एम गोइंग टू शो। यस यस यस, तो मैं वही अब दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। हाँ मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो आई एम ऑल्सो गोइंग टू टीच यू गाइस, वेट अ मिनट, ओके फाइन। तो नियरनेस को कैसे दिखाता है कि जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पर एक लड़की है और मैं कह रहा हूँ कि देख 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 इसको कुछ मत बोल, कुछ मत बोल, देख 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 ये बस रोने जा रही, रोने जा रही, बस बस रोने जा रही, यू नो मतलब तुरंत ये काम होने वाला है, तो मैं क्या बोलूँगा, शी इज गोइंग टू, तो शी इज, तो इसमें देख रहे एकदम नियरनेस है, कब रो दे पता नहीं, मैं शी इज अबाउट टू क्राई भी कह सकता था, लेकिन अबाउट टू से भी ज्यादा देखो गोइंग टू यहाँ पर फिट बैठ रहा है ना, देख 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 शी इज गोइंग टू क्राई, शी इज गोइंग टू क्राई, डोंट से एनीथिंग टू हर, शी इज गोइंग टू क्राई, ये भी तो नियरनेस को भी दिखा रहा है ये, ओके। और एक होता है जैसे कि एक बंदा घर में बैठा हुआ कहता है ओके गाइज सो नाउ आई एम गोइंग टू हैव अ बाथ, नाउ आई एम गोइंग टू हैव अ बाथ, यानी कि वो लिटरली कह रहा है कि भैया मैं नहाने जा रहा हूँ, हमने आकाश में बादल देखा, मैंने कहा गाइज इट इज गोइंग टू रेन टूडे, तो ये भी हम कह सकते हैं, यानी कि हम बादल देख के अंदाजा लग गया कि अच्छा बारिश होगी, इट इज गोइंग टू रेन, हो सकता है आधे घंटे में, एक घंटे में, तो कई मीनिंग रखता है, तो इसको आप जैसे यूज कर रहे वैसे कीजिए, डजंट मैटर, ओके सर। वीकेंड से गोना 100% गोइंग टू, यस बिल्कुल गोना कह सकते हैं, जहां पर गोइंग टू है तो इसको आप गोना कह सकते हैं,
It is slang word. Yes. तो कह सकते हो कि I'm gonna tell you something. You know? ये कह सकते हैं. तो सर टू नहीं लगेगा फिर नाल. हाँ जी टू नहीं. She's gonna cry. ये अच्छा लगता है सर. I'm gonna show you. I wanna buy car. ऐसे बोलते हैं यहाँ. Yes. अगर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि I'm going to go. समझ रहे हो? I'm going to go. सर वो ऑफिस जो भी आपने कहा अच्छा ही कहा होगा. ऑडियो समझ में नहीं आया तो I'm going to go. ओके जैसे I'm going to buy तो हम कोई भी यहाँ वर्ब लगा सकते हैं. आई एम गोइंग टू गो का मतलब भी बंदा गया नहीं जाएगा. यू नो ये गोइंग तो बस सर इसमें विल का मतलब हाँ जी वो फीलिंग दे रहा है. लोग सोचते क्या है इधर भी गोइंग इधर भी गो. लोग ऐसे सोचते हैं ना. ये गोइंग उस चीज को दिखा रहा है कि बस अब अभी नहीं गया बट जाएगा. यू नो और ये आपका वर्ब. खैर गाइस तो ये भी हो गया. सर अगर विल से बनाएंगे सर आई विल अबाउट टू गो देयर. I will about to तो नहीं हो सकता है. Will be लगा के about to करना पड़ेगा. या जैसे कोई बंदा बोलता है I will go there का मतलब किसी ने एक कहते हैं ना on the spot decision बना लिया. On the spot decision है. और कोई बोलता है कि I am going there मान लो. या कोई बोलता है कि I am going to go there तो आप मानो ना मानो अंग्रेजों के हिसाब से ये बोलते हैं प्री प्लान्ड डिसीजन. यानी कि पक्का डिसीजन कौन सा हुआ ये हो गया ना आई एम गोइंग देयर. यानी कि विल से ज़्यादा पक्का अंग्रेज इसको मानते हैं. अभी आपके समझ में नहीं आएगा शायद और बाद में आएगा. सर गोटो गो भी कुछ होता है. हाँ जी गोटो गो भी होता है. वो भी कर लेते तो अभी इस डिफरेंस को अगर समझना है तो मुझे वो एक किताब दिखानी पड़ेगी और अंतर दिखाना पड़ेगा. फिलहाल मुझे लगता है इस पर बहस ना ही करना बेहतर. जो लोग जो मेरे वीडियो को देखेंगे अगर वो पहले से जानते होंगे समझ जाएंगे कि आई विल गो देयर और आई एम गोइंग देयर का क्या फ़र्क है. मान लो कि अगर आपने कोई अपॉइंटमेंट ले लिया है. सपोज इफ़ यू हैव टेकन एन अपॉइंटमेंट. डॉक्टर का आपने अपॉइंटमेंट ले लिया है कि आज रात को 9 बजे डॉक्टर के पास आप जाएंगे. तो कोई कह रहा है यार आज रात को 9 बजे चलना पिक्चर देखते हैं. आपको कह रहे नहीं यार मैं तो डॉक्टर के पास जाऊंगा. अब आपने कहा कि आई विल गो टू द मान लो डॉक्टर एट 9 PM और दूसरा सेंटेंस है आई एम गोइंग टू द डॉक्टर एट 9 PM. इन दोनों में से अगर अंग्रेज को चुनना हो तो अंग्रेज देखेगा कि सेकेंड वन. हाँ कि अपॉइंटमेंट मैंने ले लिया है मतलब सब कुछ फिक्स्ड है एकदम तय तमन्ना है सेकेंड वन. तो जहाँ पर तय तमन्ना होता है ना एकदम फिक्स्ड अरेंजमेंट सब हो गया हो वहाँ पर हम विल नहीं लगाते हैं. वहाँ ये लगाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस. अब ये नहीं पता इधर तो पता है कि भाई रहा है आएगा तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस और गा आएगा तो विल. यहाँ तो ये पता है ना दिमाग में. तो अभी आपके समझ में नहीं आएगा ये तो इस पर ना ही डिस्कस करें तो बेहतर. मैंने आपको बताया कि क्या रियलिटी. कई बार आप एग्जाम की तैयारी करोगे ना एक सेंटेंस लिखा रहेगा सिचुएशन रहेगा दोनों में से चुनना है तो आप तो गागा के चक्कर में इसको चुनोगे रहा के चक्कर में इसको चुनोगे. जबकि हमें ये देखना है कि अच्छा सब कुछ फिक्स्ड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस. किसी दिन बता दूंगा बुक के साथ. हाँ जी गाइस तो हम अब बाकी डाउट क्लियर करते हैं. ठीक है तो बताइए कि I am not here to tolerate your attitude. तो इसका मतलब तो ये आपका पूरा का पूरा एक इन्फिनिटिव फ्रेज. ठीक है ये हो गया. अब एक सवाल था किसका था केशव का शायद था जिसमें मैंने कल कहा था ना कि लाइक के साथ हम
इन्फिनिटिव भी लगाते हैं और लाइक के साथ हम जेरेंड भी लगाते हैं ना, यस सर, हम ये भी लगाते हैं। बहुत मुश्किल है ये समझाना बट कोशिश करते हैं। जैसे किसी ने बोला कि आई लाइक टू सिंग और किसी ने बोला आई लाइक सिंगिंग। सर फॉरगेट के साथ भी ऐसा होता है? हाँ जी हाँ जी, फॉरगेट के साथ भी होता है। तो अब उसको डीपली नहीं पता, हो गया कि भाई मेरे मुंह से भाई इनमें से कुछ भी निकल जाएगा, बात तो एक ही है, मेरे को भी गाना गाना पसंद है। ओके, तो अब यहाँ पर ग्रामर क्या कहता है? ग्रामर कहता है कि जैसे आप सिंगिंग कहते हो जो जेरेंड है, तो ये एक किसी भी चीज़ को करने का ये एक प्रोसेस है। आपको ये प्रोसेस पसंद है, इसका ये मतलब नहीं कि आप इस गाना ही गाओगे। आप बहुत सारी चीज़ें पसंद करते हो, यू नो आई लाइक सिंगिंग, आई लाइक डांसिंग, आई लाइक यू नो लिसनिंग टू म्यूजिक। इट मीन्स कि इट डजेंट शो कि आप इंटरेस्टेड हो कि आप ही करोगे। अभी आते हैं, आई लाइक टू सिंग को ग्रामर कहता है कि अच्छा, यानी कि आपको गाना गाना पसंद है, यानी कि आप गाते हो, आप इस काम को करते हो, आप गाना गाते हो, आप कहीं ना कहीं इस गाने से जुड़े हुए। एक तो ये लॉजिक ग्रामर का है, यानी कि जब आप टू बोलते हैं इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिस अभ्यास करते हैं, गाते वाते हैं, तब आप कह रहे हैं नो आई लाइक टू सिंग, आई लाइक टू कुक। इट मीन्स कि ये सब करना मुझे पसंद है, मतलब मैं कहीं ना कहीं करता हूँ। लेकिन आपने बोला नो आई लाइक सिंगिंग, कुकिंग, डांसिंग, इट मीन्स कि मुझे सारी चीज़ें पसंद है बट जरूरी नहीं कि मैं करता ही। तो एक तो बेसिक डिफरेंस ही है, थोड़ा बहुत शायद समझ में आ रहा हो, बेसिक डिफरेंस। तो जब जब अगर आप मान लो कुकिंग करते हो, यू नो आप कुकिंग करते हो, तो आप बोलोगे आई लाइक टू कुक, आप ऐसे बोलते हो आई लाइक टू कुक। लेकिन किसी ने बोला कि नो आई लाइक सो मेनी थिंग्स, लाइक आई लाइक कुकिंग, डांसिंग, अगर आप ये कहते हो मतलब ये सारे प्रोसेस मुझे पसंद है पर जरूरी नहीं कि मैं करता हूँ। तो ग्रामर का एक ही मतलब, मैं आपको ग्रामर की बुक की बात समझा रहा हूँ, दूसरा सेंस आपको समझाता हूँ, उसमें से जो पसंद है उस हिसाब से समझिए। जितने भी ग्रामेरियन है अपने हिसाब से उन्होंने लिखा है। ओके, अच्छा, एक मतलब बुक है उसमें ऐसा लिखा हुआ है, जैसे कि किसी ने बोला कि आई फॉरगॉट, ध्यान दीजिएगा, आई फॉरगॉट टू शट द डोर, और एक ने लिखा आई फॉरगॉट Shutting the door. अब जब इसका आप अंतर देखोगे, मैं आपको किताब भेज सकता हूं बट वो इतना कहानी की तरह लिखा है कि समझ में नहीं आएगा। तो इसका मतलब कि एक बंदा है, ये एक व्यक्ति है, और इसको दरवाजा बंद करना था, इसका काम था ना, मैं मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, दरवाजा बंद करने का काम था, लेकिन इसके दिमाग से निकल गया और इसने दरवाजा बंद नहीं किया। तो नहीं किया तो क्या कह रहा है, ओहो आई फॉरगॉट, फॉरगॉट व्हाट, क्या करना भूल गए, टू शट द डोर, यानी कि ये काम मुझे मिला था। इट मीन्स कि इसका मतलब कि मैंने दरवाजा बंद नहीं किया, इससे तो साफ पता चल रहा है ना, यू नो। अब दूसरा बंदा कह रहा है आई फॉरगॉट शटिंग द डोर, तो अब ये कह रहा है कि पता नहीं यार, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा मैंने दरवाजा बंद किया था कि नहीं किया था, यानी कि वो दरवाजा बंद करना मैं भूल गया, करना मतलब मुझे याद ही नहीं है कि वो शटिंग मैंने किया कि नहीं किया। सोचिए, मैं आपको ये दिमागी गेम खेलना पड़ेगा। यस सर, ऊपर वाले भी इसको याद है कि इसने बंद नहीं किया, नहीं किया, दूसरे में उसे डाउट है, हाँ, कि पता नहीं किया कि नहीं किया, दूसरे में इसको डाउट है कि आई फॉरगॉट शटिंग द डोर, मतलब कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है कि किया भी था कि नहीं किया था, यानी कि वो डोर बंद करना एक मुझे याद ही नहीं आ रहा है, ये डोर बंद करने की जो कहानी है ना यही मैं भूल गया, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। सोचो जैसे यहाँ पर है कि आपको रिंग बेल दबाना था, डोर बेल, क्या बोलते हैं डोर बेल, दरवाजे में जो होता है डोर बेल, तो आप किसी के घर गए, अब आपने डोरबेल नहीं बजाया, आप भूल गए, तो आप अपने घर आके कह रहे हो यार एक्चुअली मैं गया तो सही लेकिन मैं डोरबेल बजाना ही भूल गया, तो क्या बोलोगे, आई फॉरगॉट फॉरगॉट टू प्रेस द स्विच, स्विचिंग ऑन, टर्न ऑन, टर्निंग,
forgot to turn on the doorbell. Press ही करते हैं सर, press करता हूँ। अच्छा press ही करते हैं सर, simple sir sir, yes. I forgot to press the. I forgot to press the doorbell button. ठीक है। Press the doorbell. अब दूसरे केस में आप कह रहे हो कि यार मुझे दिमाग में नहीं आ रहा, मैंने दबाया भी था कि नहीं दबाया था, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। I forgot pressing the doorbell. It means कि I forgot whether I pressed that time or I did not. Or not. Ring. सर ऐसा मेरे साथ लिफ्ट में हुआ था। अच्छा लिफ्ट में जाने के बाद प्रेस ही नहीं किया और बहुत देर तक खड़े थे लिफ्ट जा ही नहीं रही है नीचे, तो लगा कि हो नहीं रहा है तो ये तो फिर आप वहां पे कह सकते हैं कि यू नो आई फॉरगॉट टू प्रेस द बटन, प्रेस द जो भी बटन रहता होगा सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर। और कोई बंदा कहता है कि यार आई फॉरगॉट, मेरे दिमाग से निकल गया, भूल गया मैं, आई फॉरगॉट प्रेसिंग द बटन। तो ये ग्रामर ऐसे डिफाइन करता है। स्पोकन इंग्लिश में तो इंसान कुछ भी बोलता है बंदा तो समझ ही जाता है ना। तो ये कुछ चीज है, जैसे मैं एक और एग्जांपल दूंगा आप समझना ग्रामर। आई फॉरगॉट टर्निंग ऑफ द गैस स्टोव। हाँ तो इसका मतलब है कि दिमाग में नहीं आ रहा है कि मैंने किया भी था कि नहीं किया था। और अगर कोई बोले कि आई फॉरगॉट टू टर्न ऑफ द गैस स्टोव, इसका मतलब कि उसे पूरा याद है कि भैया मैंने नहीं किया, मैं करना ही भूल गया, करना ही भूल गया। लेकिन श्योर है ना, हाँ, श्योर है। लेकिन जब आप अंग्रेजी बोलोगे तो हर बंदा तो किताब पढ़ के नहीं आया है ना, जो डिफरेंस जानता रहेगा वो तो एक ही समझेगा कि इसने भैया गैस स्टोव बंद नहीं किया, कुछ आप आईएनजी लगाओ या कैसे भी करो वो तो एक ही बात समझेगा। सर घर ताला लगाने वो तो फॉरगॉट से समझ जाएगा कि आई फॉरगॉट। आई फॉरगॉट टू लॉक द डोर। ओके और आप बोला आई फॉरगॉट लॉकिंग द डोर। जी अच्छा दूसरा है, जैसे मैं कहता हूँ एक एग्जांपल मैंने केशव कुछ दिन बताया था कि आई स्टॉप टू ड्रिंक वाटर मान लो, और आई स्टॉप ड्रिंकिंग वाटर। इसका जमीन आसमान का अंतर है दोनों में, जमीन आसमान का। समझ रहे? इसका मतलब है कि ये एक बंदा है, ठीक है, अब ये कहीं जा रहा था, इसको प्यास लगी तो ये रुक गया। रुक गया क्या करने के लिए? पानी पीने के लिए रुक गया। पानी पीने के लिए ये कहीं जा रहा था, यहाँ पर इसने कोई नल वल देखा, ये रुक गया पानी पिया। और यहाँ पे है कि आई स्टॉप ड्रिंकिंग वाटर, ये पहले से पानी पी रहा था, ये पानी पी रहा था, इसने किसी को देखा और पानी पीना रोक दिया। तो इस स्टॉप का मतलब हाँ इसका मतलब है, इसका मतलब उसने इस ड्रिंकिंग वाटर प्रोसेस को स्टॉप कर दिया। I stopped, मैंने रोक दिया, मैंने रोक दिया, क्या रोक दिया? ये पानी पीने की जो हरकत मैं कर रहा था इसे रोक दिया। It is present participle. कौन सा? Stopped? नहीं नहीं ये stopped की बात, ये तो gerund नहीं, ये तो gerund है, only gerund, क्योंकि ये noun का काम stopped what? What का जवाब दे रहा है तो object बना, मतलब noun है। Object, जी। तो अब अंतर देखिए, स्टॉप के दो मतलब होते हैं, एक होता है किसी को रोकना, एक होता है खुद रुक जाना, होता है ना। स्टॉप के दो मतलब, तो ऊपर वाले में है कि मैं खुद रुका। स्टार्ट के साथ में भी होता है। हाँ जी हाँ जी, तो मैं खुद रुका, क्या करने के लिए रुका? पानी पीने के लिए रुका। और यहाँ पर शो द पर्पस, पर्पस एक्चुअली, यहाँ यहाँ तो पर्पस इन्फिनिटी पर्पस को दिखाता है। तो ये कुछ बारीकियां हैं, अब ये कौन इतना समझे पढ़े, इसलिए सब चलता है यार, यू नो, जो जैसा सर ये स्पोकन में कितना जरूरी है। I forgot to switch off the light. I forgot switching off the light. हाँ जी। क्या दोनों में क्या डिफरेंस हुआ सर? जी आइए आइए। I forgot to switch off the light का मतलब है कि I did not switch off, you know? I did not. I remember it. I didn't do it. आपने नहीं किया। कोई बंदा बोलता है आई फॉरगॉट स्विचिंग ऑफ द लाइट, इट मींस आई फॉरगॉट वेदर आई डू इट और नॉट। आई डोंट रिमेंबर वेदर आई ऑफ करना था ना, आई स्विच्ड ऑफ और नॉट, मुझे याद ही नहीं। इसके अंदर तो पूरा याद है कि मैंने नहीं किया, आई डिड नॉट स्विच ऑफ एंड आई रिमेंबर इट एंड आई वेरी वेल रिमेंबर इट, मुझे पूरी तरह याद है कि मैंने इसको स्विच ऑफ नहीं किया, मैं करना ही भूल गया। और आई फॉरगॉट स्विचिंग ऑफ में मुझे याद ही नहीं कि मैंने शायद किया था कि नहीं किया था,
मुझे वो प्रोसेस ही याद नहीं आ रहा, ये ग्रामर कहता है। ठीक सर, एक बार स्टार्ट का बता दो ना। हाँ हाँ, आ रहे आ रहे, ठीक है। स्टार्ट का कोई लॉजिक नहीं, स्टार्ट हो गया इसका कोई लॉजिक नहीं। कोई बंदा बोलता है आई स्टार्टेड सिंगिंग, कोई बंदा बोलता है आई स्टार्टेड टू सिंग, इसका कोई लॉजिक नहीं। वी कैन यूज बोथ, बोथ इधर वे। मैंने शुरू कर दिया किस प्रोसेस को, गाना गाने के प्रोसेस को शुरू कर दिया, और आई स्टार्टेड टू सिंग, इसमें कोई मतलब, ये भी ऑब्जेक्ट ये भी ऑब्जेक्ट, यहाँ कोई अंतर नहीं। तो इसलिए हर बंदा ये डिफरेंस नहीं जानता, और ये मुश्किल टॉपिक है, इसलिए आप देखोगे कि कोई कहता है आई लाइक टू सिंग, कोई कहता है आई लाइक सिंगिंग, यू नो किसको अंतर डिफरेंस पता है और कौन है सर? ये तो एक बार फिर से बता दीजिए सर, आई लाइक टू सिंग और आई लाइक सिंगिंग, ये समझ में नहीं आया सर। मुश्किल ही है ग्रामर, जो किताब अंग्रेज ने लिखी है वो कहता है कि आई लाइक टू सिंग, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप गाना गाओगे, आप हो Yes, sir. आपको खाली पसंद नहीं है, ये अंकल आप गाओगे, अनकंप्लीट एक्शन है सर ये। हाँ, आप गाओगे, आई लाइक टू सिंग यानी कि मैं गाना चाहता हूँ, यू नो आई लाइक टू सिंग मतलब मैं गाना चाहता हूँ, यानी कि आप कभी ना कभी गाओगे, अभी तो गाया तो नहीं है बट आप गाओगे। ओके okay. और यहाँ पर कोई बंदा कहता है आई लाइक सिंगिंग का मतलब कि मुझे सिंगिंग पसंद है, मैं गाऊ ना गाऊ बट गाना गाना मुझे पसंद है, प्रोसेस पसंद है। हाँ, ये प्रोसेस, हाँ ये प्रोसेस मुझे पसंद है, पर पता नहीं फ्यूचर में गाऊंगा नहीं गाऊंगा, मैं रोज गाता हूँ नहीं गाता हूँ, ये है, इतना सा अंतर है। क्लियर है सर पूरा? यस, यही है गाइस, इतना डिटेल। खैर, स्पोकन इंग्लिश में इतना सीखने की कोई जरूरत नहीं, स्पोकन इंग्लिश में सिर्फ इतना पता करना पड़ता है कि इन्फिनिटिव मतलब अभी काम हुआ नहीं, होना बाकी है, ऐसे ही काम चलता है। अभी जेरन पढ़ेंगे ना आराम से, कल पढ़ेंगे जेरन। हाँ जी, तो ओके सर। हाँ, तो मैं एक्चुअली आज मैं कराने वाला कुछ और था, कहाँ पहुँच गया, मुझे कराना था आपका कंटिन्यूअस परफेक्ट, याद है ना इन्फिनिटिव में? यस सर, यस। पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। चलिए, तो इन्फिनिटिव में अगर मैं कंटिन्यूअस को देखूँ, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, इन सब के साथ कुछ वर्ड्स फिक्स आते हैं। एक वर्ड आता है सीन, ये किसी का बड़ा भाई, अपीयर, अपील, नहीं अपीयर है, एक आता है क्लेम, एक आपका आता है सेड, सेड, एक आता है बिलीव्ड, बिलीव्ड। तो पांच तो दिखाई दे रहे हैं मुझे, और कुछ अगर विलिस देखेंगे, फिलहाल इस पे काम करते हैं। तो जो सीम है, ये सीम हो सकता है, सीम्स हो सकता है, और सीम्ड हो सकता है। ये क्या क्या नहीं हो सकता है? सीमिंग नहीं हो सकता है, तो यहाँ आप सीमिंग नहीं करोगे। अभी बनेगा कैसे? तो आपने सब्जेक्ट लगाया, आपने सीम बोला, सीम्स बोला, और सीम्ड बोला। अब कंटिन्यूटी दिखाना है तो आपको यहाँ पर टू तो लगाना ही पड़ेगा, इन्फिनिटिव है, इसके बगल में आपको जो बेस फॉर्म लगाना है वो बी लगाना है, टू बी, और इस बी के बाद आप एक वर्ब में आईएनजी लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं कंटिन्यूटी दिखाने के लिए। अब यहाँ पर एक लड़की खड़ी है, और मैं कह रहा हूँ यार इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि रो रही है, मतलब इसका रोना कंटिन्यू है, रोने का प्रोसेस चल रहा है, तो मैं कैसे बोलूँगा? She seems to be crying. ठीक है, अब अगर किसी को ये नहीं आता है, वो भी तो अंग्रेजी बोलेगा, तो दो टुकड़े में बोलेगा, बोलेगा ऐसे, वो इट कर, इट से बोल सकता है कि इट सीम्स, ऐसा लगता है दैट शी इज क्राइंग, तो इसकी भी अंग्रेजी सही है भाई, ये भी अंग्रेजी सही है, दोनों सही है। यहाँ पर उसने ये कंजंक्शन लगा कर इसको कॉम्प्लेक्स बना दिया,
और हम लोग यहाँ इन्फिनिटिव में खेल रहे हैं। तो सिंथेसिस का तो मतलब है ना, कॉम्प्लेक्स से बनाओ या कंपाउंड से बनाओ या इन्फिनिटिव से पार्टिसिपल से, जोड़ना ही तो मकसद है ना। तो इधर भी, तो इधर भी जोड़ दिया गया, इधर भी जोड़ दिया गया, बस यही है। सर यू हैव मेड वीडियोस। यस, तो और देखते हैं। तो मुझे लगता है कि नीचे वाले से ज़्यादा अच्छा तो मुझे ये लगता है, ऊपर वाला, यू नो, एक स्टैंडर्ड लगता है। आप बताओ आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, बट ऊपर वाला स्टैंडर्ड लग रहा है। ऊपर वाला गुड लग रहा है। तो अब अगर आप बोलो कि यार इसको देख कर ऐसा लग रहा है ना कि ये भैया मेरी बुराई कर रही है, ये तो इसको देख के तो ये मालूम पड़ रहा है कि बस बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही है। वीडियो रिकॉर्ड हो भी रहा है? नहीं हो रहा है, हो रहा है। ओके सर, इसका एक हिंदी भी लिख दीजिएगा। अच्छा ठीक है सर, अगर इसको दिखाना है कंप्लीट एक्शन में। अच्छा आ रहा है ना, अभी तो मैं आईएनजी पे हूं ना, परफेक्ट पे आऊंगा ना, अभी तो कंटीन्यूअस पे है ना हम लोग, अभी परफेक्ट पे भी आएंगे। ठीक है ना, इतने बड़े-बड़े वीडियोस लोग देखते भी है, एक एक घंटे का वीडियो। यस सर। My God, ये तो बहुत बड़ा वीडियो। ओके फाइन, तो उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो कुछ सोच रहा है। She seems to be thinking something. Thinking something. तो सीम के साथ हो गया। अगर मैं बोलूं कि वो दावा कर रही है या दावा करती है कि वो इन दिनों अंग्रेजी सीख रही है। She claims to be learning English nowadays. Nowadays, these days. Okay. वो ऐसा दावा करती है कि किसी को इन दिनों डेट कर रही है। She claims to be dating someone. Dating someone. These days. These days. सर पास्ट में claimed हो जाएगा ना? हाँ जी, उसने दावा किया था कभी। She claimed to be. बाकी सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं। Dating someone. Promise. To be dating someone. जी. Okay. अगर मैं इसमें believe लगा दूं कि ऐसा माना जाता है, believe का मतलब ऐसा विश्वास है लोगों का। विश्वास। ऐसा विश्वास है कि वो तुझे धोखा दे रही है, मान लो। She believes. तो पहले तो इसको मैं तोड़ के लिखता हूँ। Okay. मैं पहले अधूरा लिखता हूँ। मैं कहता हूँ it is believed. It is believed that वो तुझे चीट कर रही है। She is. She's cheating you. Cheating on you. Cheating on you. On आजकल लगता है काफी, ये preposition लगता है। अब मैं इसको छोटा कर देता हूँ। अब मुझे she को उठाना है। तो she is believed. She is believed. To be लगा दो, to be cheating on you. Cheating on you. Continuous, आप infinitive पढ़ रहे हो, आपको पता भी है continuous infinitive. तो ऐसे करना पड़ेगा कि ऐसा माना जाता है कि वो cheat कर रही है. Okay, ऐसा माना जाता है कि इन दिनों वो drugs ले रही है. She is believed to be taking drugs. Okay. उसी तरीके से एक वर्ड आता है सेड, ऐसा एक हिंदी सर, एक सेड हिंदी लिख दो इसकी, कहा ऐसा माना जाता है कि, ऐसा माना जाता है कि वो आजकल ड्रग्स ले रही है। हाँ जी, अब आते हैं सेड, ऐसा कहा जाता है। तो इट इज सेड दैट, यू नो, इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत पैसे छाप रही है। इट इज सेड दैट शी इज मेकिंग मनी। हाँ जी, मेकिंग, शी इज अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी। इट इज सेड, मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। हां, इट इज लगा देता हूं, रुक जाओ, इज भूल गया, लॉट ऑफ मनी।
टाइपिंग भी तो कोई चीज है. इट इज, तो ये सेंटेंस हो गया. अब जब इसको हम इन्फिनिटिव का सहारा लेके बनाएंगे तो शी को उठाना पड़ेगा. शी इज सेड टू बी मेकिंग ए लॉट्स ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी. तो देखो कितना आएगा फिर. हाँ, कितना प्यारा है ना. यस सर. हाँ, बहुत अच्छा है. ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि आजकल वो वजन घटा रही है. She is said to be reducing her weight. ठीक है, losing, reducing कुछ भी होगा, her weight, fat, तो भी ऐसा कहा जाता है. पर ये passive जैसा लग रहा है. Passive का मतलब होता है, हाँ ये she is said तो passive ही है. हाँ ये, मतलब ये passive थोड़ी, ये तो ing में आ रहा है. Okay, अब बताइए. ऐसा कहा जाता है कि वो, कुछ सोचिए 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 क्या कहा जाता है. ऐसा कहा जाता है कि तुम रोज वहां जाते हो. सर, यू आर सेड टू बी मेकिंग गुड वीडियोस एवरी डे. ठीक है, कंटिन्यूटी करना Sorry. पड़ेगा. बोलो. यू आर सेड टू बी गोइंग अब हम परफेक्ट की तरफ चलते हैं गाइस. टाइम ज्यादा नहीं है. परफेक्ट इन्फिनिटिव. मुझे लगता है कि मैंने ना जितने ऑनलाइन क्लासेस लिए मुझे इसी क्लास में से पढ़ा रहा हूँ. मैंने कहीं पढ़ाया नहीं है सर, ऐसा मुझे लगा. सर, वी आर लकी. इतना डीप पता नहीं क्यों इस क्लास में पढ़ा रहा हूँ, बाकी मैंने पढ़ाया नहीं. ये तो नाउन की जगह हम नाउन यूज कर सकते हैं क्या सर? जैसे आपने कहा शी इज सेड, तो मैं किसी के बारे में कहा जाता हूँ, अगर उसके बारे में कहा जाता हो राम इज सेड ऐसा ऐसा. पक्का पक्का बोल सकते हैं राम, सोहन, मोहन कर देते हैं. इसी इसी शी को, ये तो शी प्रोनाउन है, इसका नाम रख देते हैं पर्वतिया. तो पर्वतिया इज सेड टू बी रिड्यूसिंग हर फैट. ठीक है, रिड्यूसिंग हर फैट, क्या दिक्कत. ये कैसा नाम है सर? ये बहुत सारे नाम है, लखपतिया, पर्वतिया. सर, इसका नेगेटिव भी बता दीजिएगा. हाँ, नेगेटिव भी होता है. She is not said to be. पलपतिया होगा ना. हाँ, कथी कथी. She is not said to be जो भी कह लो, reducing whatever. Okay, fine. Yeah, Veena जी सो गई क्या? सर, आप बी छोड़ दिए. बी छोड़ दिया कहीं पर? चलिए परफेक्ट इन्फिनिटिव में आते हैं. परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कंप्लीटेड एक्शन. कंप्लीटेड यानी काम हो गया है. वे क्लेम करती है उसने घर खरीद लिया है. हाँ जी, तो ये लड़की है और ये एकदम दावा कर रही है, क्लेम करती है कि इसने घर खरीद लिया, मतलब घर खरीदना डन. अब हमें नहीं पता ना कि इसने खरीदा नहीं खरीदा, इसका दावा है. तो अब हम कह रहे हैं कि वो दावा करती है या कर रही है, व्हाटएवर आप चाहो तो. वैसे तो शी इज क्लेमिंग भी लोग कह देते हैं, बट जनरली न्यूज़पेपर में कैसे आता है? शी क्लेम्स. शी क्लेम्स ऐसे आता है, शी क्लेम्स. अब मैं पहले इसको तोड़ के बताता हूँ. शी क्लेम्स, क्लेम्स व्हाट? तो एक नाउन क्लॉज लगाते हैं, दैट शी हैज परचेज्ड बॉट अ हाउस. तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया. हमने दैट यहाँ पर कंजंक्शन लगा के जोड़ा. ये भी एकदम करेक्ट सेंटेंस है. कॉम्प्लेक्स तो और अच्छा है, बट इसको हम और छोटा करेंगे तो कैसे हो जाएगा? शी क्लेम्स क्लेम्स टू हैव टू हैव बॉट अ हाउस. बॉट अ हाउस. तो जब जैसे किसी ने ये बोला तो ये बहुत आसान सा लगता है ना कॉम्प्लेक्स. जब कोई ये बोलेगा ना, ये लगेगा वाह क्या मजेदार बोला है. ये है जी. तो ये दो टुकड़े वाला है और ये एक ही है,
एक्चुअली आप बचपन से कॉम्प्लेक्स बोलते आ रहे हैं, आपको पता नहीं, आपको नाम से लगता है अच्छा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, लेकिन आप बचपन से कॉम्प्लेक्स खुद बोलते आ रहे हैं। हर बंदे को ये तो पता है ना कि मैं दैट करके सेंटेंस जोड़ूंगा, किसको नहीं पता है? हर बंदा जोड़ता है दैट से, उसे ये नहीं पता है कि दैट कंजंक्शन है, उसे ये नहीं पता है। उसने जिंदगी में यही पढ़ा दैट मतलब वह, कुछ ऐसा पढ़ा ना उसने, यस की है ना, और की दैट मतलब वह और दैट मतलब की। वो ढंग से ये नहीं जानता कि अच्छा दैट के बगल में जब कोई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा तो दैट से लेके वहां तक ये एक भैया एक क्लॉज बनाता है, इतना डिटेल नहीं पता। कोई भी कंजंक्शन उठा लो, इसके बगल में जब सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये क्लॉज है, और ये कौन सा बनाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा, कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जब जब कभी आप क्लॉज पढ़ोगे, मान लो कभी क्लॉज पढ़ोगे तो आपने क्लॉज में ऐसा पढ़ा होगा, किसी ने पढ़ा होगा प्रिंसिपल क्लॉज, पढ़ा कभी है ना? हां यस सर, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, फिर पढ़ा होगा सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लॉज। जब आप थोड़ा और एडवांस इंग्लिश पढ़ोगे तो प्रिंसिपल गायब हो गया, अब हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, कभी ये भी सुना होगा? यस सर, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये स्पेलिंग ही गलत हो जा रही है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और एक आएगा डिपेंडेंट क्लॉज क्लॉज। तो ये कह लो या प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट कह लो। अच्छा, तो जब आप सबऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ोगे चाहे डिपेंडेंट पढ़ोगे, तो इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा कि तीन तरह के होते हैं, एक होता है नाउन क्लॉज, एक होता है एडजेक्टिव क्लॉज, सर आई वांट टू लर्न दीज, और एक होता है एडवर्ब क्लॉज। और सोचो, मैं इस तरह क्लासेस लेता नहीं जानबूझ करके, क्योंकि जब मैं एडवर्ब क्लॉज पढ़ाऊंगा ये नौ प्रकार के होते हैं, नौ टाइप्स, ओके। तो जो बेचारा मेरे पास अंग्रेजी बोलने के लिए आता है वो तो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, बोलेगा ये कहाँ फंस गया मैं, क्या हो रहा है ये, yes, है ना? तो मैं ये पढ़ाता ही नहीं हूँ, तो दे देना थोड़ा सा। और ये इतना भी मैं नहीं पढ़ा, तो जितना मैंने आपको पढ़ा दिया मैं बस बताया, और सीधा मेरा काम होता है उसकी स्पीकिंग पर काम करना, उसको फर्राटेदार बनाना, बस यही मेरा काम होता है। लेकिन इस क्लास में कुछ ज्यादा हो रहा है तो चलिए कोई नहीं। सर एडजेक्टिव क्लॉज पार्टिसिपल से होते हैं क्या? मतलब पार्टिसिपल ऑफ कोर्स होंगे, लेकिन एडजेक्टिव है ना, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल को पकड़ेगा, पास्ट पार्टिसिपल को पकड़ेगा, तो कुछ कुछ फ्रेज होते हैं, कुछ क्लॉज होते हैं, तो ये डिटेल चैप्टर है, अभी छेड़ना उचित नहीं होगा। सर एग्जांपल दे सकते हैं एक का? अभी देना उचित ही नहीं होगा, बेकार हो जाएगा, हम कहीं और चले जाएंगे। ठीक सर, तो और इस पे ना जाने कितने एग्जांपल्स, जब मैं अखबार पढ़ाता हूँ ना जाने कितने एग्जांपल देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हम कहाँ पर थे? परफेक्ट पर थे ना, तो बताइए। yes, तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसने 10 लोगों का कत्ल किया है, बताइए। He seems to have killed 10 people. ना प्यारा है, बेहतरीन, ओके। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमने अपनी नौकरी छोड़ दी है। You seem to have left your job. दिल खोल के बोलिए, क्या पेटेंट बताइए? जैसे वो दिखा वो घर खरीदा है। कोई ना, आपको कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर वगैरह में जरूर मिल जाएगा इस तरह के सेंटेंसेस, और आप स्पोकन में चाहे तो इसका इस्तेमाल जरूर करें अगर आपके मुंह से निकल जाए। तो बताइए, सीम की जगह बिलीव करके देखिए, ऐसा माना जा, ऐसा बिलीव किया जाता है, इट इज बिलीव्ड दैट उसने 10 लोगों का कत्ल किया, ही हैज किल्ड 10 पीपल।
अब इसको छोटा करते हैं, ही को उठा लीजिए. He is believed to have killed 10 people. हो गया. ओके जी. इसी तरह सेड को उठा लीजिए. ऐसा कहा जाता है, it is said that कि उसने अपनी वाइफ को डाइवोर्स किया है. He has divorced his wife. अब इसको छोटा करते हैं कि he said to have divorced his wife. Sir, please make it one negative sentence also. तो यही कह दी, he is not said, but he is not said to have. नेगेटिव कोई बोलता भी तो नहीं है. कौन बोलता है नेगेटिव? सर आपने एडजेक्टिव के साथ भी बताया था ना, शी इज ग्लैड टू हैव परचेस कार. यस यस यस, एडजेक्टिव के साथ भी आएगा. तो ये आपका हो गया. उसी तरीके से कुछ एडजेक्टिव लगा लो कि जैसे वो खुश है, वो ग्लैड है, तो ग्लैड क्यों होगी? कुछ हुआ होगा उसके साथ तभी तो ग्लैड होगी ना. यस, खुश है. टू हैव परचेस्ड अ न्यू हाउस, इसको आप, लेकिन ये है ना कि स्पोकन इंग्लिश में ऐसा चलता नहीं. ग्लैड के साथ टू वाला ही वो नॉर्मल चलता है, तो इसे लोग ज्यादा यूज नहीं करते कि आई एम ग्लैड टू हैव फाउंड अ न्यू जॉब. हाँ जी, ये बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश है, बट लोग ऐसा नहीं बोलते. तो शी इज ग्लैड टू, अब उसने कुछ किया है, घर खरीदा है, तो शी इज ग्लैड टू हैव बॉट अ न्यू हाउस. लेकिन लोग कैसे बोलते हैं? शी इज ग्लैड टू बाय, ऐसा बोलते हैं ना. रूल कहता है कि अगर उसने खरीद लिया है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो खुश है कि अभी खरीदा नहीं है. टू बाई का मतलब अभी खरीदा नहीं है, खरीदेगी. हाँ, शी इज ग्लैड टू बाई अ न्यू हाउस, ऐसा लगता है. या कई लोग ऐसे कहते हैं कि आई एम ग्लैड टू मीट यू, सुना होगा, यू नो. यस सर, या यस सर. तो अब पता नहीं पूरा मिले कि नहीं मिले, या अभी हाथ ही मिलाया, बोलो आई एम ग्लैड टू मीट यू. लेकिन जब वो पूरा प्रेटेंड टू एक बार बोल, हाँ उस पर भी आ रहा हूँ. जब पूरा कंप्लीट कर लेते हैं किसी चीज़ को, और उसके बाद जब स्टेटमेंट रिलीज करते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलकर, मतलब पूरा मिल लिया, जान लिया, डन हो गया ना पूरा प्रोसेस, तब लगाइए ये, तब ये लगाइए परफेक्ट वाला. I am glad to have met you. I am sorry to have disturbed you. मतलब disturb कर दिया है. अब मान लो कि अगर मैं कहता हूँ कि I am sorry to disturb you, इसका मतलब भी मैं करने जा रहा हूँ, भी किया नहीं है, you know? ये पहले मैं माफी मांग रहा हूँ, गाइस आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, अब मैं करूंगा डिस्टर्ब, यू नो, अब मैं कुछ कहूंगा. यस सर. और जब मैंने डिस्टर्ब कर दिया, अब ये लड़की बिल्कुल उदास हो गई, काम तो हो गया, अब मैं दोबारा इसके पास आ रहा हूँ, कह रहा हूँ कि मैं बहुत खेद है मुझे कि मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, कंप्लीट हो गया ना एक्शन. यस सर. अब मैं इनको बोलूंगा कि देखिए मैडम, आई एम सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू. कितना प्यारा है, आहा, अद्भुत. आई लव दिस स्ट्रक्चर, बहुत प्यारा स्ट्रक्चर है सर. ये नॉट टू हैव डिस्टर्ब यू, इसका क्या सर मीनिंग देगा? मतलब मैंने अभी किया ही नहीं, इसलिए मैं खेद है. तो ऐसा कौन बोलेगा कि मुझे खेद है कि मैंने डिस्टर्ब नहीं किया? खेद ऐसा हो सकता है कि मुझे खेद है कि मैंने घर नहीं खरीदा, ये हो सकता है ना. मुझे खेद है, आई एम वेरी अपसेट. अच्छा, I'm very upset. I'm very upset. Not to have purchased the. Not to have bought a house, हैं? ये हो सकता है. अच्छा, किसी ने बोला pretend के ऊपर बताओ. तो pretend भी सही है, एक word pretend भी जोड़ लीजिए उसके अंदर. बहाना कर. बहाना, ऐसा दिखाना. तो मैं बोलूँ कि यार, तुम ऐसा दिखा रहे हो कि तुमने घर खरीदा है, तुमने खरीदा नहीं है. तो spoken में pretending भी कह सकते हैं, you are pretending, कह देते हैं. Pretending to have bought a new house. He pretended to have seen the film. Yes, watch the movie. Yes, correct. तो इतना deeply अगर कोई बोलता है तो ठीक है, नहीं बोलता है तो उसकी मर्जी. Okay. She is pretending to be smart. अब इसी में state of being और possession रह गया, करके आज निपटा ही देते हैं. State of being. उसे देखकर लगता है कि चोरनी है, तो कैसे होगा? She seems to be thief. हो गया, आराम से. ये थीफ हमारा है क्या है? एक, हम उसके बारे में बता रहे हैं ना, स्टेट ऑफ बीइंग ही तो है ये.
okay? उसे देखकर लग रहा है कि उदास है, तो शी सीम्स टू बी सैड, सैड या सैड, दी सैड, हां सैड सैड, ओके ठीक है। अब अगर इसका स्टेट ऑफ पोजीशन करें तो उसे देखकर लग रहा है कि उसके पास बहुत पैसे हैं, सो शी सीम्स टू बी हैव लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ मनी, कोई बोलेगा सर जी खाली शीश ही लिखते हैं मैं इसको ही कर देता हूँ, हालांकि ग्रामर कहता है कुछ ना पता तो ही है, तो मैं ही कर देता हूँ, ठीक है। उसको देखकर लगता है कि उसके दो बालक हैं, तो ही ही सीम टू हैव टू किड्स, टू किड्स, ओके ठीक है जी। अभी खत्म हो गया, बताइए कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम एनर्जेटिक हो, कैसे होगा? You seem to be energetic. You seem, he seems. बस गाइस, अब बहुत हो गया, धन्यवाद। अब ये वीडियो भी आपको कल तक मिल जाएगा और ये फाइल अभी आपको मिल जाएगा, इसके बाद फिर आप इसमें एक और सेंटेंस बताइए ना, जैसे तुम्हें देख के नहीं लगता कि तुम शादीशुदा हो। वेरी गुड, लिख के बताओ, लिख के बताओ। यस सर, ओके, यू डोंट सीम टू बी मैरिड। कितना प्यारा, वेरी यूजफुल सेंटेंस, वेरी। तुम तो दो बच्चों की माँ लगती ही नहीं हो, यू नो, तुम्हारे दो बालक होंगे तुम्हारे पास, है तो प्यारा ही, अगर यूज किया जाए। यस सर, तो सोचो कि आप बातों बातों में आप सिंथेसिस सीखे, आपको पता भी नहीं चला, यू नो। Yes. ये सिंथेसिस है सर। Of course सिंथेसिस है ये, आपको पता भी नहीं चला। अगर मैं इसको ग्रामर के हिसाब से पढ़ाता कि ये दो सेंटेंसेस करो कंबाइन, यू नो, आता है ना ग्रामर में कंबाइन द सेंटेंसेस, ऐसे आते हैं कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग इन्फिनिटिव, तो आपकी मजबूरी होती दो अलग अलग टुकड़ों को जोड़ने की, और आप स्पोकन, मैंने आपको स्पोकन के अकॉर्डिंग सिखाया है। Yeah. कोई नहीं गाइस, चलिए तो चला जाए। सर क्लास रिकॉर्ड हो रही है पूरा जी, फुल रिकॉर्डेड वर्जन हो रहा है सर। इन्फिनिटिव जो फर्स्ट डे स्टार्ट किए थे उसका भी है रिकॉर्डिंग? डाल चुके हैं। नहीं सर, कल वाला डाले हैं, उसका पहले वाला नहीं डाले। तो कल वाला ना मेन था, इतना सारा जो लेक्चर हुआ है वही ना मेन था। कल वाले में ही तो सब कुछ चमत्कार हुआ है। इससे पहले कौन सा था? पहले भी उसे, अच्छा वो, हाँ, एक इससे फ्राइडे के दिन पढ़ा था। करेक्ट करेक्ट, लेकिन कल तो और डिटेल हुआ ना, सब कुछ तो हो गया कल, और डिटेल हुआ किताब के साथ, तो मुझे लगता है वो बेस्ट है। सब जेरेन पढ़ेंगे ना? हाँ, सोना चांदी सब पढ़ेंगे, डोंट वरी एवरीथिंग, फाइन गाइस। तो मैं चलूं? ओके सर, गुड नाइट सर। मुझे फीस पे करना है सर, आप क्यू आर कोड या बैंक डिटेल भेजेंगे क्या?